द वन उन साबन की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राज। फाइनली मैं यहाँ पर टेलीकॉम न्यूज़ लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए। फिलहाल न्यूज़ जियो से स्टार्ट होगा। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। फिलहाल हम अच्छे खबर से शुरू करते हैं। रिलायंस जियो ने एक नया प्लान पेश किया है। अब देखो, दिन प्रतिदिन ये हो रहा है कि लॉकडाउन हमारा बढ़ता जा रहा है और लोगों का वर्क फ्रॉम होम जो चल रहा है वो चलता ही जा रहा है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा डेटा की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे में लोग ज़्यादा डेटा वाले प्लान से रिचार्ज करवा रहे हैं। इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर रिलायंस जियो ने एक नया प्लान पेश किया है। प्लान का प्राइस है 999 रुपये। इस प्लान को वर्क फ्रॉम होम को देखते हुए यहाँ पर बनाया गया है। रिलायंस जियो ने 999 वाला एक नया प्लान पेश किया है, जहाँ पर आपको रोज़ाना 3 GB का डेटा मिलेगा। यानी कि इन टोटल आपको 252 GB का यहाँ पर डेटा मिलेगा, क्योंकि भैया जी यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो 84 डेज यानी कि 84 दिनों का यहाँ पर वैधता दिया जा रहा है। 999 वाले प्लान में जैसे नॉर्मल बेनिफिट्स रहते हैं, वैसे सेम टू सेम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अनलिमिटेड वॉइस कॉल जियो टू जियो, अदर नेटवर्क में बात करने के लिए आपको 3000 मिनट दिए जाएंगे। इसके ख़त्म होने के बाद आप अदर नेटवर्क में बात करने के लिए आपको टॉपअप रिचार्ज से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, जिसके साथ आपको 1 GB करके डेटा भी मिलेगा 10 रुपये का, अगर आप टॉपअप रिचार्ज से रिचार्ज करवाते हो तो। तो इस प्लान में आपको 84 दिनों की वैलिडिटी, डेली 100 SMS, अनलिमिटेड वॉइस कॉल जियो टू जियो, अदर में बात करने के लिए 3000 मिनट और डेली का हाई स्पीड डेटा 3 GB का मिलेगा। इन टोटल 252 GB यहाँ पर आपको डेटा दिया जा रहा है 84 दिनों के लिए। अगर आप पहले देखो तो 349 वाला एक प्लान अवेलेबल था रिलायंस जियो में, जहाँ पर आपको 28 दिनों की वैधता के साथ डेली 3 GB का डेटा मिलता था। अगर आप कंपेयर करो तो उससे बेटर ये प्लान है। अगर आपको ज़्यादा डेटा चाहिए, अगर आप घर से काम कर रहे हो अपने कंपनी के लिए, तो फिर आप इस प्लान को यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है तो आप इस प्लान से रिचार्ज करवा सकते हो। या फिर हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था 1 साल वाला प्लान, जहाँ पर आपको डेली का 2 GB डेटा मिलता है। तो अधिक जानकारी के लिए वो वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। इसके बाद एक बुरा खबर यहाँ पर रिलायंस जियो की तरफ से ये है कि रिलायंस जियो का सबसे जो सस्ता प्लान था, जो कि उनका 98 रुपये वाला प्लान था, उसे यहाँ पर फिलहाल बंद कर दिया गया है। अगर आप उनके वेबसाइट पे चेक करो या फिर माई जियो में चेक करो तो वो प्लान आपको नज़र नहीं आएगा। अब सबसे सस्ता प्लान 129 रुपये का यहाँ पर आपको दिखेगा, जहाँ पर आपको 28 दिनों की वैधता के साथ जियो टू जियो, अनलिमिटेड वॉइस कॉल और इन टोटल 2 GB का डेटा आपको दिया जाएगा और अदर नेटवर्क में बात करने के लिए आपको 1000 मिनट दिए जाएंगे। इस प्लान में आपको इन टोटल 300 SMS भी यहाँ पर दिया जा रहा है। किसी किसी के माई जियो ऐप में फिलहाल आपको ये ऑप्शन मिलेगा रिचार्ज करने के लिए, लेकिन कंपनी की तरफ से इस प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसके बाद जो न्यूज़ सामने आ रही है वो है वोडाफोन की तरफ से, कि वोडाफोन अपने पोस्टपेड यूजर्स को यहाँ पर फिलहाल निराश करता हुआ नजर आ रहा है। वोडाफोन का जो पॉपुलर रेडेक्स प्लान था उसको यहाँ पर महंगा कर दिया गया, जो कि पहले 999 रुपये में आपको मिलता था, उस प्लान को लेने के लिए आपको 1099 रुपये अब चुकाने पड़ेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर 100 रुपया ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर प्लान है। अगर आप वोडाफोन के रेडेक्स प्लान से रिचार्ज करते थे तो आपको अब 100 रुपया ज़्यादा पे करके इस प्लान का लाभ आप उठा सकते हो। इसके बाद जो न्यूज़ सामने आ रहा है वो फिर से रिलायंस जियो की तरफ से। जियो का ब्रॉडबैंड सर्विस यानी कि जियो फाइबर, अब जियो फाइबर का जो कस्टमर बेस है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। अभी फिलहाल ये देखा गया है करीब करीब 20,000 कस्टमर जियो फाइबर यूज़ करना बंद कर चुके हैं, या फिर आप कह सकते हो वो दूसरे नेटवर्क में स्विच कर चुके हैं, या फिर वो जियो फाइबर यूज़ करना छोड़ चुके हैं। 20,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है और ऐसे में रिलायंस जियो का ग्रोथ गिरना बहुत ही बुरा संकेत है जियो की तरफ से, क्योंकि जियो का जो प्लान है, जियो फाइबर का जो प्लान है, वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा महंगा है अगर आप दूसरे प्लान से कंपेयर करो तो। भले उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है जो दूसरे ब्रॉडबैंड में नहीं मिलता है, लेकिन लोग ज़्यादा पे करना नहीं चाहते हैं। अगर उनको सस्ते में कोई प्लान मिलता है तो लोग उसी ब्रॉडबैंड सर्विस को यहाँ पर चुनना पसंद करते हैं। तो रिलायंस जियो की तरफ से एक ये बुरी खबर सामने आई है उन्हीं के लिए, कि अब 20,000 कस्टमर जियो फाइबर के उनके पास नहीं है,
उनका जो कस्टमर बेस था, जो नंबर था कस्टमर का, वो यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये था मिला जुला कर आज का टेलीकॉम न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक से जरूर देना, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक दे देना। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो को जितना था हो सके शेयर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी करके ही जाना। तो दोस्तों मिलता हूँ एक फ्रेश नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे खेलते रहे और बोलते रहे भारत माता की जय। धन्यवाद।